तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग हैं वो ऑक्सीजन फैमिली को देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले जो है हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पूरे तरीके से खत्म कर चुके हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली पूरे तरीके से खत्म कर चुके हैं और आज हम लोग ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्या रहेगा ये अपना हेडिंग? ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ये ग्रुप नंबर जो रहेगा वो 16, ठीक। ये तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो उसमें हम लोग देख चुके हैं, बस वही चीज जो है वो क्या होगा धीरे धीरे करके उसी पैटर्न में जो है हम लोग रिपीट करें, ठीक है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज खास करके जो है वो पढ़ने को मिलेगा एक्स्ट्रा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्मली हम लोग इवन बॉन्डिंग में भी कवर कर चुके हैं, लेकिन देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है। पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। एक जो ओवरव्यू हमारा है वो ले लेते हैं, ठीक। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डील करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। सेकेंड वन जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टी में सारा कुछ डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एन्थैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर, वो सारा कुछ हम लोग इसी में देखने वाले हैं। तो बस हम केवल क्या लिख दिए हैं, मेटेलिक, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा, तीसरा जो रहेगा, ठीक है, थर्ड जो है वो हम लोग कंपाउंड्स देखेंगे यहाँ पे, कंपाउंड्स या फिर हम लोग केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स, या फिर हम चाहें तो लिख सकते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग पढ़े हैं कि जो कंपाउंड जो हम लोग देखते हैं वो फर्स्ट टू एलिमेंट्स ही खास करके देखते हैं, अपने को जो पढ़ना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन में बेसिकली हम लोग क्या यहाँ पे देखने वाले हैं, तो सबसे पहले जो देखने हैं अपने को पढ़ना जो है वो है डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन O2, और दूसरा जो अपने को देखना है वो है ओजोन, दैट इज O3, ये देखना, ठीक है। उसके बाद अपने को एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर देखना है, वो एलोट्रॉप्स ऑक्सीजन का तो नहीं है, ठीक है, किसका देखना है, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, ठीक, इसी में हम लोग काउंट कर देते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। उसके बाद इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर ये देखेंगे, फिर उसके बाद H2S के बारे में थोड़ा देखेंगे, SO2 के बारे में देखेंगे, इस तरीके का हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या देखेंगे, ऑक्सी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ, यहाँ भी थोड़ा सा देखेंगे ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। अब इसमें भी जो नाम हम लोग लिखे थे, नोमेनक्लेचर वगैरह सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन इसमें भी एक अस वाला था, याद आ रहा है, एक इक जो है वो था, एक थायोनिक, थायोनिक ऐसा करके हम लोग पढ़े थे, परोक्सी, परोक्सी, ये सारा कुछ हम लोग देखे थे। उसके बाद अगला क्या इसमें देखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, खास करके जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दैट इज H2SO4 के बारे में देखने वाले, कितना ओवरव्यू हमारा जो है वो रहने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ठीक,
तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो क्या अपना रहेगा, फर्स्ट में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर हमारा बात समझ लें, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता। ये पहले भी पढ़े हैं हम लोग, सेम चीज वही चीज है, ठीक है। नया अभी इसमें अभी तक कुछ, जब नया कुछ आएगा तो उसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये यहाँ नया कुछ नहीं है, पहले भी पढ़े हैं। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब क्या क्या था भाई यहाँ पे, आपको याद होगा कौन कौन सा है, एलिमेंट ऑक्सीजन, ओ से टी को, ऐसा हम लोग पढ़े थे, ओ से टी को, ठीक है, याद है। तो ये अपना जो है, ये अपना जो है वो क्या है, ये है अपना नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, ये भी अपना क्या है, नॉन मेटल, ठीक है, ये दोनों क्या है अपना, मेटलॉइड, मेटलॉइड है, ठीक है, और टेलुरियम भी मेटलॉइड है, और पीओ जो है, ठीक है, पोलोनियम, ये मेटल, टिपिकल मेटल है, रेडियो एक्टिव, ध्यान में रखना है, कैसा है ये मेटल, रेडियो एक्टिव है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसका, ये क्या हो गया, इसका मेटेलिक कैरेक्टर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक तो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इट इज NS2 और NP4, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP4, ठीक, ये अपना रहेगा, क्लियर है। P ब्लॉक का हम लोग जानते हैं, टोटल P ब्लॉक का क्या होता है, NH2 NP कहाँ से कहाँ तक रहता है, यस, पूरा का पूरा P1 से लेकर के 6 तक हम लोग जाते हैं, ये 4 हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये NP क्या है, NP4 है, ध्यान में रखेंगे, और N का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, चेंज नहीं होगा, यदि N इज इक्वल टू 2 है तो S में भी 2 और यहाँ P में भी 2, यानी NH2 और NP, सॉरी 2H2 और 2P4, 3H2 तो 3P4, 4S2 तो 4P4, ऐसा करके ही आपका, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यदि हम लोग मैजिकल नंबर से इसका कौन है ये देखें, एटॉमिक नंबर, तो ये जैसे कि लिखते हैं यहाँ पे हम मैजिक नंबर, ये मैजिक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, मैजिक नंबर, उसके बाद ये एलिमेंट्स है, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो है, कौन कौन सा एलिमेंट्स था, ठीक है, ओ से पी ओ, ये था ना ओ से, तो इसका मैजिकल नंबर जो था वो बीच में, ठीक है, तो थोड़ा सा सही रहेगा, उसमें ऐड करना रहा था ना। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, एटॉमिक नंबर फर्स्ट का क्या है, 8, ठीक है, कौन सा क्या है एटॉमिक नंबर इसका, 8, ठीक है, और मैजिकल नंबर क्या है, मैजिकल नंबर बीच, ठीक है, 8, ठीक है, 8, 18, 18,
32, ये मैजिकल नंबर से अगला जो है ये बॉन्डिंग में पढ़ा, इसमें पढ़ा चुके हैं प्रेडिक्टेबल। अगला क्या पता चल जाएगा, अगला अपने को उसका एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका चला जाएगा 16, ठीक है। और उसके बाद 16 में यदि 18 जोड़ेंगे तो ये इसका पता चलेगा। अब इसके 18 में जोड़ेंगे तो ये इसका पता चलेगा, और इसमें ऐड करेंगे तो इसका पता चलेगा फुल, ठीक है। तो ये मैजिकल नंबर है। 8 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, इसमें अपने को 18 जोड़ना है, तो 18 जोड़ने पे क्या आ जाएगा आपका 34, ठीक है। और यहाँ पे फिर 18 जोड़ने पे क्या आ जाएगा 52, ठीक है। और फिर यहाँ पे 32 जोड़ने पे आ जाएगा इस बार 80, ठीक है, क्या आ जाएगा 84, ठीक है, ये आ जाएगा 84, ठीक। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, कॉन्फ़िगरेशन होगा नियरेस्ट नोबल गैस कौन हो जाएगा, हीलियम, तो ये हो जाएगा हीलियम, और हो जाएगा 2H2 और 2P4, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, हीलियम के बाद आएगा नियोन, नियोन और क्या होगा 3H2, 3H2 और 3P4, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, हीलियम नियोन आर्गन, आर्गन आ जाएगा 34 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4H2 4P4, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे 3D10 भी होगा, ठीक है, 3D10 भी होगा। 52 के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिप्टन, क्रिप्टन, और उसके बाद क्या हो जाएगा 4D10, ठीक है, 5S2 और 5P4 हो जाएगा। 84 के लिए ये जो है अपना, इसके लिए क्या हो जाएगा, जेनन, ठीक है, जेनन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4F14, ठीक है, 5P10, ठीक है, 6S2 और क्या हो जाएगा 6P4, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये अपने को देखने को मिलेगा, सारा बात समझ में, पूरा का पूरा कॉन्फिगरेशन। और ये पोलोनियम जो है, पोलोनियम जो है वो क्या है आपका, रेडियो एक्टिव, क्या है, रेडियो एक्टिव। तो ये क्या है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिविटी का हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता है केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड, मतलब कि इतने समय के बाद ये जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है, इतने समय के बाद ये क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ। तो इसका टी हाफ जो होता है, टी हाफ जो होगा होता है इसका 13.8 डेज, ठीक है। ये जरूरी नहीं है लेकिन जस्ट आ गया तो ये बता रहे, ठीक है। और खास बात और इसके बारे में क्या है कि ठीक है, जेड रेडियो एक्टिव आया ना, और एटॉमिक नंबर कितना आ गया इसका 84, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना होगा आपका कि जेड, हालांकि इसमें बता चुके हैं प्रेडिक्ट में कि जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 84, यानी 84 या 84 के बाद वाले एलिमेंट सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव, ठीक है। जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 84, ऑल एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव, ठीक है, सब के सब क्या है, रेडियोएक्टिव। तीसरा अब हम लोग देख रहे हैं, थर्ड हम लोग देख रहे हैं डेंसिटी, ठीक है। यहीं पे हम लोग ले रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सबका सेम होता है, मेल्टिंग ऑर्डर सबका सेम है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अरे बात, तो क्या है, ऑल थ्री इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डेंसिटी भी बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, तो एक तो उनका डेंसिटी भी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट वो भी इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ऑल थ्री इंक्रीजेस
डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। अब ऑर्डर लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर या तो डेंसिटी बोले, या तो मेल्टिंग पॉइंट बोले, या फिर बॉइलिंग पॉइंट बोले, ठीक है, उनका सेम ही होगा। ऑक्सीजन लेस देन सल्फर लेस देन, ठीक है, सेलेनियम लेस देन टेलुरियम लेस देन कोलोन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। क्लियर। अब हम लोग ये चीज इम्पोर्टेंट एक बात है, क्या इम्पोर्टेंट है कि लार्ज डिफरेंस बिटवीन, इनके बीच में जो है ना काफी ज्यादा डिफरेंस है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का, ये ध्यान में रखना। वो हम लिखवा रहे हैं कि लार्ज लार्ज डिफरेंस डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ, ठीक है, लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, एंड सल्फर सल्फर इज ड्यू टू देयर एटोमिसिटी, इज ड्यू टू देयर देयर एटोमिसिटी, ठीक है, वो उसका एटोमिसिटी जो है उसके कारण जो है उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस आता है। कैसे, तो इस चीज को समझेंगे। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो आपका डाई एटॉमिक एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, ओ टू, और वो भी क्या है आपका गैस, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग बात करें, ठीक है, यदि हम लोग बात करें सल्फर का, सल्फर का, ये ऑक्टा एटॉमिक में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि एस एट, और ये होता है सॉलिड, तो जिसके कारण जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। हालांकि ये भी आपको बता दें, ये भी आपको बता दें कि ऑक्सीजन जो है वही एक किस्म है गैस, ठीक है, बाकी सारे के सारे, ठीक है, सल्फर हो, सेलेनियम हो, ठीक है, टेलुरियम हो, ठीक है, पोलोनियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव हो जाता है, टेलुरियम हो, ये सब का सब, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, लेकिन सब का सब क्या है यहाँ पे सॉलिड में पाया जाता है। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज, फोर्थ दैट इज एटॉमिक साइज, या फिर हम लिख सकते हैं एंड, एंड लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, एंड आयोनिक साइज, एंड आयोनिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज, ये चीज, ठीक। तो क्या है भाई, ऑल साइज, अब ये सिंपल है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सेल क्योंकि इंक्रीज होगा तो क्या बढ़ेगा आपका, इसका एटॉमिक साइज या फिर आयोनिक साइज भी पड़ता है, कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं। तो सिंपली क्या लिखेंगे, एटॉमिक साइज एज वेल एज, ठीक है, एटॉमिक साइज एज वेल एज, एज वेल एज आयोनिक साइज, ठीक है, इंक्रीजेस इंक्रीजेस, ठीक है, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दिस इज डाउन द ग्रुप, ठीक है, बिकॉज 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 इंक्रीज इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे बढ़ता है एटॉमिक साइज एनिक साइज बढ़ता है, ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, ऑर्डर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, ठीक है, और पोलोनियम की अब हम लोग बात नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव है और वो उतना ज्यादा अपने को देखना चाहिए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज में पांचवा जा रहे हैं आयोनाइजेशन इनथैल्पी। आयोनाइजेशन इनथैल्पी ठीक है, जिसको हम लोग आईईटी कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या जानते हैं हम लोग कि साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। सेम एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ठीक है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो जितना बड़ा साइज होगा, साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा न्यूक्लियस से कम होते जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो जाएगा तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, न्यूक्लियस मतलब कि आउटर मोस्ट सेल से जो है उसको बाहर इजेक्ट कर सकते हैं कम से कम एनर्जी। तो आई क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो आई डिक्रीज कब का यही लिखेंगे ना, आई ई डिक्रीजेस ठीक है डाउन द ग्रुप ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप हो जाएगा। तो आई ई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, आई ई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम ये आपको हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया ठीक है, और खास बात है कि फर्स्ट आई ई ठीक है क्या बताए हैं कि फर्स्ट आई ई वन ऑफ ग्रुप 15। हालांकि जब हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज छोटा होते जाता है, और साइज छोटा होते जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, हाँ साइज छोटा होगा तो क्या करेंगे उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। तो ग्रुप 15 का ज्यादा, ग्रुप 15 का कम होना चाहिए, ग्रुप 16 का ज्यादा, लेकिन आई वन जो होता है वो ग्रुप 15 का ज्यादा होता है और ग्रुप 16 का क्या होता है कम होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, इसी कारण। ये सब भी हम लोग सब पीरियोडिक टेबल में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा आ रहा है तो आपको एक बार रिविजन भी हो जाए इस कारण से। लेकिन आई ई टू जो होता है वो आई ई टू ऑफ ग्रुप 15 जो रहेगा वो लेस हो जाएगा किससे, ग्रुप 15। ऐसा क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो 16 वाला था वो 15 की तरह बन गया, और जो 15 था वो तो 14 बन गया, तो इसके कारण जो है वो इसमें देखा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया गया ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सिक्स पॉइंट की, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है ठीक है, पढ़ते भी जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीजेस होगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सल्फर ठीक है सेलेनियम, और देन उसके बाद कम से कम हम बोले थे कुछ का याद रखना, जैसे ऑक्सीजन का कितना होता है 3.5 ठीक है, सल्फर का कितना होता है 2.5, डाउन द ग्रुप कम होते जाएगा ठीक है। तो कुछ बताए भी ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बताए भी थे कैसे याद करना है, फन नकल इस पहलवान ऐसे करके बताए ठीक है, जैसे जैसे कैसे याद करते हैं इसको ठीक है, इतना तो ध्यान में रखेंगे, एटलीस्ट इतना का ध्यान रखेंगे, कौन कौन सा एफ ओ एन फन कहते हैं, कौन होता है लेकिन कौन फन कहते हैं, फन नकल ठीक है, बियर फन नकल बियर, एस आई एस सी और पहलवान पी एच पी एच इतना ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अपना क्या था, फन फन ठीक है, ये क्या था नकल नकल ठीक है, ये क्या था बियर बियर ठीक है, इस ठीक है, इस याद करने का तरीका पता है, तो इसका कितना होता है 4.0, ये क्या है 3.5, इसका क्या होता है 3.0, ये भी क्या होता है 3.0, इसका क्या होता है 2.8 ठीक है, इसका क्या होता है 2.5,
क्या होता है 2.5, इसका क्या होता है 2.5, इसका क्या होगा 2.1 और इसका क्या होगा 2.0। इतना जो है एटलीस्ट आप याद करके रखेंगे तो आपके लिए भी क्या होगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 7 वाला जो है प्रॉपर्टी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें एक्सेप्शन आएगा इसलिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन निकाल के ये क्या हो जाएगा आपका डेल ए जी एच, ठीक है, डेल ए जी एच ये हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को हमको पहले से पता है यहाँ पे क्या कुछ चीजें पता है उसके बारे में बता रहे हैं कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो है वो क्या है सेकेंड पीरियडल, ठीक है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता है, ठीक है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता है और साइज इसका बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, ठीक है। लेकिन सल्फर जो होता है वो क्या होता है थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है, ठीक है, और इसका लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज, ठीक है, लार्ज साइज। तो कहने का मतलब है कि साइज में इसका हम लोग क्या देख रहे हैं कि चेंजेज आ रहा है ऑक्सीजन और सल्फर के साइज में क्या होता है चेंजेज, इसी के कारण इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी क्या हो गया कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन देने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, या चेंज ऑफ एनर्जी, सिंपल सा कहें चेंज ऑफ एनर्जी जितना हो रहा है, चेंज इन एनर्जी जितना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी का है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से उसमें ले आने में जितना चेंज इन एनर्जी आता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी कहलाता है। लेकिन ऑक्सीजन का साइज क्या होता है काफी छोटा होता है, ठीक है, और उतने छोटे साइज में आउटर मोस्ट सेल में एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन पहले से, सल्फर के भी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसका साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा होने के कारण वो 6 इलेक्ट्रॉन आसानी से उसमें एकोमोडेट हो पाते हैं। लेकिन यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें आसानी से एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, तो अगला इलेक्ट्रॉन लाने में जो चेंज इन एनर्जी आएगा वो काफ़ी ज़्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि साइज छोटा है और पहले से ही उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन इसमें आता है तो रिपल्सन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी जो होगा वो ऑक्सीजन का होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जो ऑर्डर आता है, जो ऑर्डर जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है, तो जो ऑर्डर आएगा वो सबसे कम ज़्यादा जो होता है वो सल्फर का होता है, ठीक है, यानी आसानी से उसमें इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी कहते किस को है, जो इलेक्ट्रॉन आ जाए आसानी से, ठीक है, जितना आसानी से आएगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा रिलीज होगा, यदि आसानी से नहीं आएगा तो हमको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज क्या होगा कम होगा, बात समझ में आया, यानी ओवरऑल एनर्जी कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो आसानी से चला जाता है वो किसमें चला जाएगा आपका सल्फर में, ठीक है, मैक्सिमम होगा, देन उसके बाद का सेलेनियम, देन उसके बाद होता है टेलूरियम और देन उसके बाद होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सबसे लास्ट में हो जाता है, इसीलिए ये जो ऑर्डर है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सल्फर का क्या है आपका मैक्सिमम और इसका क्या होता है ऑक्सीजन का मिनिमम, ये बात ध्यान में रखना है। और एक चीज़ ये भी हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ग्रुप 17 की यदि बात करें, कंपेरिजन कर लेते हैं हैलोजन का, ठीक है, तो उसका क्या होगा आपका जो मिनिमम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी वो किसका होगा आयोडीन का, ठीक है, सबसे मिनिमम किसका होगा आयोडीन का ही होगा। तो जो उसका मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी होता है, नोट करके ये भी, ठीक है, जो डेल ईजीएच किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रुप नंबर 17 की बात कर रहे हैं, वो क्या होगा मिनिमम किसका होता है आयोडीन, ठीक है, वो भी ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा डेल ईजीएच इसका तो ग्रुप 16, ठीक है, और ये क्या है बेटा इसका मैक्सिमम होगा किसके लिए हम लोग सल्फर, यानी कि जो सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी सबसे ज्यादा है ग्रुप 16 के लिए वो एक्चुअली
कम होगा किसके कंपैरिजन में, तो जो ग्रुप 17 का सबसे मिनिमम वाला है ना उससे भी वो कम हो जाता है। अंडरस्टूड? तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट जो है वो आपसे पूछता है कई बार, तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, ध्यान में रखिए, याद रहेगा। ठीक है, इसी तरह हम बताए थे आयोनाइजेशन एनर्जी वाला, क्या बताए थे आयोनाइजेशन एनर्जी वाला, कि सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो सीजियम का होता है ना। लेकिन सीजियम का जो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू होता है, यदि हम इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, क्लोरीन का सबसे ज्यादा। ठीक है, क्लोरीन का जो सबसे ज्यादा जो क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, तो मैक्सिमम है पूरे पीरियोडिक टेबल में वो आयोनाइजेशन एन्थैल्पी होता है किसका, सीजियम का, जो सबसे मिनिमम है वो वैल्यू भी ज्यादा है उसके मैक्सिमम से। समझ में आया? यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो सीजियम का होता है वो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी के अकाउंट कंपैरिजन में सबसे कम। लेकिन यदि हम बात करें किसका, कि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी का, तो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी जो हमारा सबसे ज्यादा है किसका, क्लोरीन का। ठीक है, उसका मैक्सिमम वैल्यू भी इसके मिनिमम वैल्यू से कम। अंडरस्टूड? बात समझ में आया, आ रहा बात समझ में, ये चीज तो ये हम बता रहे थे। तो आगे जो हम लोग देखेंगे इसका, हम लोग देखेंगे ये अपना, जैसे कि अब इसमें क्या हम लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग डालते हैं किसमें, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाता है, ओ माइनस हो जाता है, और ओ माइनस एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये क्या हो गया, एक दो। ठीक है, एनर्जी इसमें से बाहर निकला। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन और यदि हम इसमें डालना चाहें ओ माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, ओ टू माइनस। लेकिन ये ऑलवेज होगा एंडोथार्मिक, यस ऑलवेज, क्योंकि एनर्जी देना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब रिपल्सन होगा, इंडो होगा, इंडो होगा, और ये ऑलवेज ही होगा। ठीक है, लेकिन यदि अपने को यही एक बार में करना हो, ठीक है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन का डालना हो ऑक्सीजन में, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको ओ माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा आपका, इंडोथर्मिक, क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। अंडरस्टूड? क्या हम बताना चाह रहे हैं, अब एक प्रॉपर्टी जो आता है 8 पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन, कैटिनेशन तो जनरली कार्बन शो करता है, थोड़ा सा सिलिकॉन भी, लेकिन कार्बन खास करके। तो इसमें जो है ओनली सल्फर शो कैटिनेशन, ओनली ओनली सल्फर सोर्स कैटिनेशन। अंडरस्टूड? ये बात समझ में आया। तो ये पूरा का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, पूरा का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए। देखिए एक बार फिर से दिखा देते हैं पूरा। ठीक है, जो जो है इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वगैरह, अब हम लोग देख लिए क्या क्या होता है। ठीक, अब हम लोग जो जाएंगे वो अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सारा ये यहाँ से हम लोग क्या रखते हैं। ठीक है, ओवरव्यू लेते हुए पूरा का पूरा जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब जो हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली, ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है कि ग्रुप 16 सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन का सुने होंगे ना कि कभी कभी वो माइनस में जो है वो तो है ही, प्लस में भी शो कर देता है। ठीक है, कई बार प्लस फोर ऐसा भी अपने को देखने को, मतलब कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब ये पूरे ग्रुप की बात हम करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की हम, तो ग्रुप 16 सोज
ग्रुप सिक्स टू सोर्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को करता है। अब इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, बताते हैं, ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो क्या होगा आपका, NH2 और NP4। ये तो यहाँ से अब हम लोग समझेंगे मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम 4 और 2 6, दैट इज द 6। और मिनिमम कितना होगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन कम है 8 कंप्लीट करने में, 2, तो -2। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा +6, और ये क्या हो जाएगा मिनिमम, दैट इज कॉल्ड -2। ठीक है, समझ में आया। अब ये चीज ध्यान में रखना है, कुछ कुछ पॉइंट इसका, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, स्टेबिलिटी, क्योंकि नीचे मेटालिक कैरेक्टर है, तो नीचे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा है, तो मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते नहीं, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो वो प्लस वाला उधर होगा, माइनस वाला उधर नहीं होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द, ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप होगा। यानी कि स्टेबिलिटी यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ओ माइनस टू का ज्यादा होगा एस माइनस टू से, अंडरस्टूड, ये हो जाएगा ये, ठीक है। और यदि हम थोड़ा सा और बात करें इसमें, तो क्या क्या रहेगा कुछ पॉइंट्स, जैसे एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ठीक है, ध्यान में रखना है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन अदर मेंबर्स सोज +2, ठीक है, +4, ठीक है, +6, ऑक्सीजन को छोड़ करके अदर मेंबर्स जो रहेंगे वो क्या शो करेंगे, +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, +6 ऐसा लिख देते हैं, +6 आर मोस्ट, ऐसा लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +4 एंड +6 आर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, सबसे कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 और +6 वाला जो है वो आप, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात, सल्फर सेलेनियम, ठीक है, और एंड टेलुरियम की बात करें, यूजुअली सो +4 एंड +6, ठीक है, +6 वाला में केवल स्टेबल रहेगा फ्लोरीन के साथ, ठीक है, ध्यान में रखें, फ्लोरीन के साथ स्टेबल रहेगा, ठीक है, स्टेबल विथ F, ऐसा लिख देते हैं, स्टेबल विथ F, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन, ठीक है, +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो बेसिकली क्या यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि सेलेनियम, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम जो है वो क्या कर रहा है, +4 +6 कर रहा है, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो किसके साथ रह रहा है आपका, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, यही दो के साथ बनाता ही है ऑक्साइड और फ्लोराइड, जनरली इनका नजर आता है, ठीक है, तो जनरली अच्छा +6 वाला जो है वो किसके साथ स्टेबल रहेगा, फ्लोरीन के साथ, ठीक है, आया बात समझ में। उसके बाद ये भी ध्यान में रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ प्लस सिक्स
ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कारण, ये पढ़ चुके हैं बॉन्डिंग, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो है, इसमें भी पढ़े हैं प्रीडी क्लासिफिकेशन, प्लस सिक्स वाला जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाता है, ये ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप देखिए ना PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन PBr5 नहीं एग्जिस्ट करता है, Pi5 एग्जिस्ट नहीं करता, उसका रीजन क्या, उसका रीजन वही साइज बड़ा होने के कारण वो एकोमोडेट नहीं हो पाता, जबकि रिपल्सन ज़्यादा होने लगता है, कितना करेगा 5-6 जो है बड़े बड़े साइज वाले 5 पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है अनस्टेबल, और इसीलिए पाते हैं हम क्या कि प्लस सिक्स वाला ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है डिक्रीज होने लगता है उसका स्टेबिलिटी, ठीक है। अब हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगला जो देखने वाले हैं वो क्या है, सेकेंड रिएक्शन विद, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो बेसिकली ऑल एलिमेंट्स ठीक है फॉर्म्स टू टाइप ऑफ, दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, ईओ टू ठीक है, एंड ईओ थ्री बनता है, ठीक है, एंड बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक, ये इम्पोर्टेंट, एसिडिक इन नेचर, ठीक है, जो दोनों ऑक्साइड्स हैं वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर आपका है, ठीक है, कैसा है ये, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, एंड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर ठीक है, और इसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में, इट फॉर्म्स ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे रिएक्शन क्या हो जाएगा, जैसे हम सल्फर की बात कर रहे हैं तो यदि हम लोग वाटर में इसको डाल दें तो इसी जितना ऑक्सीडेशन नंबर है उसी का एसिड बना देगा, यानी कि H2SO3 बना देगा, और SO3 ले रहे हैं और वाटर यदि हम डाल रहे हैं तो क्या बना देगा, H2SO4 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें, इसी में क्या बात कर लिया अपना, एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो हम लोग इसमें पढ़े हैं, यस, अपना पीरियोडिक में हम लोग पढ़े हैं ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा रहेगा, ठीक है, वो ज्यादा एसिडिक रहेगा, ये चीज तो पढ़े हुए। यदि हम सल्फर के रिस्पेक्ट से बात करें तो SO2 से ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा, SO3। उसी प्रकार से भी हम बात करें H2SO3 से ज्यादा रहेगा H2SO4। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये भी। हालांकि और ऑक्साइड्स का भी हम कंपेरिजन कर सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, यदि ऐसी ऑक्साइड्स बनेंगे ही, ऐसी की बात करें तो SeO2 और क्या बनेगा, SeO3, ठीक है। इसके बाद यदि हम टेलुरियम की बात करें क्या बनेगा, TeO2 बनेगा और क्या बनेगा, TeO3, ये सारे बनते हैं, सारे ऑक्साइड जो हैं बनते हुए आपको नजर आएंगे। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद हैलोजन, ठीक है, थर्ड वाला जो रिएक्शन विद हैलोजन, ठीक है, रिएक्शन विद हैलोजन, अंडरस्टूड, ध्यान में रखना है इसमें क्या है, हैलोजन के साथ तो रिएक्शन करता ही है, ठीक है, सारे जो हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनेगा भाई, तो रिएक्शन सॉरी
रिएक्शन विद पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सभी रिएक्ट करेंगे, ठीक है, क्या बनेगा? तो ऑल एलिमेंट्स ठीक है ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट विथ या फॉर्म हाइड्राइड। रिएक्ट करने के क्या बाद बनेगा? अपना हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है ऑफ टाइप H2E टाइप का बनता है, ठीक है। और यहाँ ई जो है वो एलिमेंट है, ई क्या हो सकता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, ये हो सकता है, ठीक है। अब क्या क्या बनेगा भाई, क्या क्या बनेगा देखो जरा, ठीक है। बन सकता है क्या? H2O, ये H2O, ठीक है, H2S, ठीक है, H2SE, H2E, ये सारे बन सकते हैं, ठीक है। और जो ये जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट, एच बॉन्डिंग, और बहुत ही खतरनाक, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनाता है, काफी एक्सटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एक वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो है तो बाकी बच गए, उसमें क्या रहेगा? वीक वीक, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पाया जाएगा। अंडरस्टूड, बात समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं? अब हम लोग ये तो देख लिए, ठीक है, H2O और बाकी जो हाइड्राइड है उसका थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है। कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यदि हम बात करें फिजिकल स्टेट की, फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट में हम लोग क्या देख सकते हैं कि H2O जो होता है वो आपका बेटा किसमें होता है? लिक्विड में होता है, या लिक्विड में होता है और साथ ही साथ कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन यदि हम बात करें H2SE की, ठीक है, H2TE की, तो ये सब के सब किसमें हैं? गैस में, और ये भी लेकिन कोवेलेंट ही है, ठीक है, ये भी क्या है? कोवेलेंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। इसके बाद करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग, ठीक है। तो हाँ भाई, डाउन द ग्रुप अब जानते हैं कि क्या होते जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन का, वाटर का हम लोग सबसे ज्यादा पाया गया, ये पता है ऑक्सीजन का। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्शन पार्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, एकदम ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो इस हिसाब से फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? H2S, ठीक है, सबसे कम, देन H2SE, देन उसके बाद H2TE, देन उसके बाद क्या हो जाएगा? H2O, ये होगा होता। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें अगला कंपैरिजन, तो ई एंड एच बॉन्ड, ई एच, ठीक है, डिस्टेंस ऐसा लिख देते हैं, ई और एच का डिस्टेंस जो रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। तो बेसिकली जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? H2O में, सॉरी, सबसे कम, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा डिस्टेंस भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। H2O के बाद क्या हो जाएगा? H2S, देन उसके बाद H2SE, देन उसके बाद H2TE, ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद यदि थर्मल स्टेबिलिटी बात करें तो जस्ट उसका उल्टा, क्योंकि जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना थर्मल स्टेबिलिटी उसका ज़्यादा रहेगा, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसको भी हम देख देते हैं, और ये तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, NH2O का सबसे ज़्यादा, H2S, देन H2SE,
देन क्या होगा एच टू सी, और इसको भी आप ऐसे कर। अगला हम लोग देखेंगे रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग नेचर में क्या है भाई, तो जब भी हम लोग जाएंगे इंक्रीज, मतलब रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा टर्म को, ठीक है, पता है ना, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे हम लोग, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज बिकॉज, ठीक है, बिकॉज एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब देखेंगे कैसे है, ये अपना हो जाएगा H2O, ठीक है, ये हो जाएगा H2S, ये हो जाएगा अपना H2SE, और ये क्या हो जाएगा H2P, ठीक है, और ये जो है H2S जो है वो रेडॉक्स में जाहिर सी बात है अपने वो काम देखने को मिलता ही है, रेडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम आता है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये सब देखने को मिलता है। अगला जो हम लोग देख रहे हैं वो पॉइंट कौन सा है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, ये भी देख सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड एंगल में क्या है कि H2O, H2O की यदि हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, ठीक है, और थीटा बराबर क्या होगा 104.5 डिग्री, ठीक है, ये सबसे ज्यादा होता है, लेकिन हम H2S की बात करें तो यहाँ से अब कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल, ठीक है, तो इसका ज्यादा होगा, देन उसके बाद क्या होगा H, सॉरी H2SE, और देन उसके बाद क्या होगा H2PE, H2, ठीक है, ये H2PE, इसका ज्यादा, इसका सबसे कम, इसका जो होता है वो अप्रोक्स हो जाता है आपका 90 92 डिग्री, इसका जो है वो अप्रोक्स हो जाता है 91 डिग्री, और इसका हो जाता है आपका 90 डिग्री, ये अप्रोक्स जो है इसका एंगल देखने को मिलता है। अब लास्ट हम लोग जो है वो देख लेते हैं रिएक्शन विद हैलोजन, लास्ट जो अपना है वो प्रॉपर्टीज, मतलब आज के सेशन का वो क्या हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन में क्या है कि ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, रिएक्ट्स विद हैलोजन, हैलोजन एंड एंड फॉर्म नंबर ऑफ हैलाइड, हैलाइड क्या क्या बनेगा भाई, तो ये बनेगा EX6, EX4, EX2, ठीक है, और यहाँ X बराबर जो है वो क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि हम बात करें, स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर बात करें क्लोरीन का ज़्यादा, क्योंकि साइज छोटा है तो आसानी से एकोमोडेट हो पाएगा, ठीक है, क्लोरीन एफ सी एल, ठीक है, बी आर और आई का सबसे कम स्टेबिलिटी होगा ड्यू टू साइज, ठीक है, ध्यान रखना है ड्यू टू, ड्यू टू साइज।
ठीक है, और ये भी ध्यान में रखना है, एमोंग हेक्सा हेलाइड, ठीक है, हेक्सा हेलाइड्स में मोस्ट स्टेबल आर आर SF6, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, हेक्सा हेलाइड में सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा SF6, यानी कि हेक्सा फ्लोराइड, ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है, और बाकी की यदि हम बात करें, बाकी की यदि हम बात करें, ठीक है, तो SF6, ठीक है, SEF6 ये भी बनता है, ठीक है, TEF6 ये भी बनेगा, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे, SP3B2 ये होंगे ऑक्टाहेड्रल, सब पढ़ाया हुआ, ठीक है, एक्सेप्शनली स्टेबल, तो डू नॉट हाइड्रोलाइज, और ये इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि ये हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये भी ध्यान में रखेंगे, एक्सेप्शनली एक्सेप्शनली, ठीक है, स्टेबल एंड सो डू नॉट हाइड्रोलाइज, ठीक है, ये हाइड्रोलाइज भी नहीं होता है, और यदि हम बात करें टेट्राफ्लोराइड्स की, टेट्राफ्लोराइड्स की, तो उसमें आपका SF4, ठीक है, SEF4, ठीक है, TEF4 देखने को मिलता है, जो कि ये गैस में रहता है, ये लिक्विड में रहता है, और ये सॉलिड में रहता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाँ, इनका हाइब्रिडाइजेशन SP3D और स्ट्रक्चर C, और स्ट्रक्चर, तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, सारा कुछ हम लोग देखें, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट बहुत सारा कवर कर चुके हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा आज के लेक्चर का है सारा कुछ, ठीक है, इतना कुछ आज हम लोग कवर, ठीक है, सारा, ठीक है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, तो कल अगले क्लास में फिर से मिलते हैं और फिर यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके, सो थैंक यू सो मच।